दिस इज आवर न्यू ऑफिस. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं हमारा रेनोवेटेड ऑफिस आप लोगों को दिखाने के लिए. छोटे छोटे चेंजेस किए हैं बट बहुत प्यारे प्यारे चेंजेस हैं हमारे वर्किंग स्टाइल और एनवायरमेंट के हिसाब से. तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे रिसेप्शन से. तो दिस इज आवर रिसेप्शन एरिया पूरा जैसा आप देख पा रहे हो. यहाँ पे देयर इज अ सीटिंग फॉर 3 पीपल प्लस देयर इज अ टेबल वेयर ऑन वी हैव केप्ट सम डेकोर और दो लोग इस तरफ बैठ जाते हैं. तो यहाँ पे हमारी हो जाती है बेसिकली छोटी मीटिंग्स. हियर इज द रिसेप्शन टेबल प्लस दैट्स द लोगो दैट वी पुट अप. पहले यहाँ पे हमने लोगो नहीं लगाया हुआ था. वी पुट अप आवर लोगो एंड टू थिंग्स दैट वी फॉलो एंड दैट इज बी ब्राइट एंड बी हैप्पी. पहले जो हमारा रिसेप्शन एरिया था इसमें हमारा रिसेप्शन टेबल इस जगह था तो हमने उसको वहां से उठा के वहां डाल दिया ताकि हमारे पास यहाँ एम्पल स्पेस बन पाए और हम लोग कम से कम 5 से 6 लोग क्विक क्विक मीटिंग्स कर पाए. सो दिस वॉज द इंटेंशन बिहाइंड दिस प्लेस. बाहर है बहुत ही प्यारी ग्रीनरी का व्यू. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो ऑफिस है बहुत ही ग्रीन एरिया में लोकेटेड है सो दैट वी कैन रिलैक्स आउटसाइड ऑल्सो. आजकल बारिशों का मौसम बट अदरवाइज वी कैन सिट एंड रिलैक्स आउटसाइड. और यहाँ पे हम लोगों ने लगाया हुआ ग्रीन प्लांटर प्लस ये वाली जो वॉल है. अभी हमारे ऑफिस में है ना ग्राफिटी का काम बचा हुआ है तो अभी हम लोग ग्राफिटी करेंगे. यहाँ पे हम लोग हमारी कंपनी की टाइम लाइन विल ड्रॉप. तो जब वो ड्रॉप करेंगे तो मैं ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा बिकॉज आर ग्राफिटी आर्टिस्ट इज लेट. ही इज इन बैंगलोर राइट नाउ. जैसे ही कम बैक विल बी क्रिएटिंग ग्राफिटीज एट अ लॉट ऑफ अदर प्लेस नॉट जस्ट दिस वन बट अदर प्लेस आल्सो. एंड सामने यू कैन सी देयर इज अ ट्रांसपेरेंट व्यू ऑफ द ऑफिस सो समबडी हु इज सिटिंग हियर कैन सी एनीथिंग अक्रॉस. नाउ दिस इज आवर कॉमन वर्क स्पेस. आई विल शो इट टू यू. यहाँ पे देयर आर 8 पीपल दैट कैन सिट. पहले हमारा यहाँ पे बहुत ही हैवी डेस्कटॉप वर्क होता था. नाउ वी चेंज दैट टू ऑल मोबाइल एंड ऑल लैपटॉप वर्क स्पेसेस ताकि क्योंकि बहुत से लोग होते हैं हमारे काम में जो साइट में भी काम करते हैं यहाँ पे भी काम करते हैं तो दोनों के लिए हमने लैपटॉप ओरिएंटेड सेटअप कर दिया है. एंड दिस इज अ वाइट बोर्ड दैट वी पुट. यहाँ पे वी कैन राइट डिस्कस हैव मीटिंग्स ओपन स्पेस एंड 10 से 12-15 लोग बैठ के आराम से हम मीटिंग कर सकते हैं. छोटी छोटी एडिशन की लाइट्स हम लोगों ने शैंडलियर्स वगैरह नहीं कर दी है. सो शैंडलियर की भी बड़ी खास कहानी बताता हूँ आपको. वी यूज टू यूज द शैंडलियर इन आवर प्रोजेक्ट्स एंड जैसे कोविड आया ना तो इसकी शेप एकदम कोरोना वायरस जैसी है. तो एक शैंडलियर हम लोग घर ले गए और एक शैंडलियर वी पुट अप इन आवर ऑफिस. इट लुक्स लाइक कोरोना बट अदरवाइज इट्स अ ग्रेट शैंडलियर. पूजा बड़ी हस्ती थी इस पे. वॉल आर्ट जितना भी हमारे ऑफिस में देखोगे इज ऑल होम्स ऑफ वॉल आर्ट. वी कस्टम क्रिएटेड इट फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर अदर पीपल. So that is utilized in this office right now. This used to be our accounts room pehle. Now this is Pooja's room and an editor can sit here and edit. Pooja wahan baithti hai, uses a laptop for herself. Pooja ne apni favorite paintings lagayi hui yahan pe. Happiness is a beach vacation, happiness is family, happiness is exploring new places. Usko bahut pasand hai ki ghume, phire, nayi nayi cheeze explore kare. So these are her goals, she kept them here. We planning ek editor yahan baithega uske sath. Pooja yahan baithegi. Although kuch karti nahi hai, batata hu kai baar aake na mujhe disturb karti hai. Yahan kabhi nahi baithti hu. Aake mere केबिन में ही बैठती है. अब चलेंगे मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे जो कि है मेरा केबिन. सो कम विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो. सो पहले ये था वर्क स्पेस बट अब हमारी वर्क फोर्स कम हो गई है तो मैंने इसको अपना बना लिया केबिन और थोड़ा लार्ज स्पेस है. आओ ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट. दिस इज माई केबिन. टेल मी हाउ यू लाइक इट. सबसे पहले मैंने पुट अप किया हुआ अपना फेवरेट ब्लाइंड यहाँ पे. सेकेंड यू विल सी अ सीटिंग एंड मीटिंग प्लेस फॉर 5-6 पीपल. बेसिकली वी कैन हैव 5-6 पीपल का मीटिंग है. दिस इज सोफा कम बेड. ये बेड भी बन जाता है कभी रात को सोना हो लेट हो जाए काम के लिए और कुछ. और दो चेयर वो भी इस तरफ रिवॉल्व हो जाती है तो 6 लोग बैठ के यहाँ पे वी कैन हैव कैजुअल डिस्कशंस मीटिंग्स एंड वी कैन हैव मीटिंग विद क्लाइंट्स एज वेल. बीइंग इन अ स्टार्टअप यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. रात भर आपको काम करना पड़ता है. इन इन केसेस टू रिलैक्स चिल एंड सिट. काफी साल बाद मैंने रियलाइज किया कि लाइफ में ना खाली काम तो जरूरी है ही. वर्क इज वर्शिप प्लस थोड़ा रिलैक्स करना और लाइफ में ना मेडिटेशन वगैरह करना बहुत जरूरी है. For personal growth, you need a balanced growth in everything. Now I'll show you. ये वो जगह है जो मेरा favorite spot है मेरे केबिन में. I love to meditate here. ये वो recliner आपने देखा होगा जब renovation कर रहे थे तो हम ये recliner लेके आए थे. So comfortable. यहाँ पर मैं बैठ के meditation भी करता हूँ. Late night हो जाता है तो मैं यहीं सो भी जाता हूँ. Growth के साथ साथ you need your health to carry forward with you. You need your well-being to go with you. So for health, I rely on Oziva ka superfood green and herbs. It's an alkalizing drink जिससे कि आपकी स्किन हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाती है. आपको एक्ने और पिंपल्स नहीं होने देता. साथ ही साथ आपका डाइजेशन बहुत अच्छा करता है. इससे आपका जो एसिडिटी लेवल है स्टमक में वो बहुत कम हो जाता है. प्लस इट डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी ऑल इन ऑल. और इसकी एक सर्विंग एक बॉल ऑफ वेजिटेबल्स के बराबर है. यू कैन हैव इट एनी पार्ट ऑफ द डे. बट आई सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में लो ताकि ज्यादा इफेक्टिव हो. इट कंटेन्स स्पिनच, क्लोरेला एंड मोरिंगा जैसे अच्छे अच्छे हर्ब. इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. गो चेक इट आउट. अब बहुत हो गया रिलैक्स. बढ़ते हैं थोड़ा आगे. So this is my workspace, guys. This is where I sit, have my meetings, start my day, do everything that I want to do in the day.
ये वो कैलेंडर है जो पूजा अपडेट करती रहती है, ये गोल्स मैं लिखता हूँ, बस हैबिट कैलेंडर है, इस पर टिक मार्क्स करता हूँ और पूजा लिख देती है आपको जंक नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो मैं लिख देता हूँ ओके जी, बट कुछ कुछ फॉलो होता है, कुछ कुछ नहीं होता, नोबडी इज परफेक्ट यार। एंड दिस इज आवर न्यू कॉन्फ्रेंस रूम, पहले ये मेरा केबिन होता था, वी हैव टर्न्ड इट इनटू आवर कॉन्फ्रेंस रूम, सो इट्स अ 6 सीटर स्पेस जहाँ पे 6 लोग बैठ के हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। Our team have become compact than before. पहले हम लोग जब इंटीरियर करते थे तो हैवी टीम चाहिए थी, अब हमारा मैन पावर और स्टाफ बहुत कम लोगों का है, मेरे ख्याल 10-15 लोग हैं टोटल में, तो 6-7 लोगों की मीटिंग हो जाती है। टैबलेट वगैरह पे अगर कुछ हम लोग टाइप करते हैं, ड्रॉ करते हैं अपने आईपैड पे, तो वो यहाँ दिख जाता है। वी हैव ग्रेट मीटिंग्स, प्लस पीछे आप देखोगे तो पूरा ग्रीन व्यू है, इट्स ऑल ग्रीन एट बिहाइंड, और जब रात हो जाती है सो वी पुट आवर ब्लाइंड्स। तो हम लोगों ने जिस चीज का ध्यान रखा है वो ये रखा है कि ये हमारा सारा होमजोप का वॉल आर्ट है हमारे ऑफिस में। सो इन दिस ऑफिस यू विल रियलाइज कि हम लोगों ने ना कलर्स कहीं पे भी जो है दीवारों पे कहीं पे भी ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया है, ऑल माइल्ड कलर्स, बस डेकोर हमने जो है बहुत ही प्यारा यूज किया है बहुत ब्राइट कलर्स के साथ। माइल्ड कलर्स के साथ जब ब्राइट कलर का डेकोर आता है तो चीज बहुत निखर के आती है, दिस इज व्हाट वी लर्न्ड विद टाइम। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे जैसे हमारा यूट्यूब बटन है, कुछ डेकोर हो गया और कुछ हमने आर्ट पीसेज रखे हैं, विद टाइम हम लोग और आर्ट पीसेज वगैरह भी ऐड करते रहेंगे स्पेस पे, सो दिस इज गोना बी इट। सो नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया, ये सबसे प्यारा और बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, यहाँ पर हम लोग रखने वाले एक बहुत ही प्यारी चीज जो कि हमारा एयर हॉकी टेबल, तो यहाँ पे आएगा, हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है बट हमारा वेंडर पिछले 15 दिन से यार वो एयर हॉकी टेबल डिलीवर ही नहीं कर रहा, तो हमने सोचा उसके बिना ही शूट कर लेते हैं, एयर हॉकी टेबल हमारा बाद में आ जाएगा। और बाकी हमने यहाँ पे होम जॉब का कस्टम वॉल आर्ट और एक अच्छा सा लाइट लगाया हुआ है, प्लस देयर इज अ वाइट बोर्ड जहाँ पे भी बोर्ड लाइक small meetings again. I am so thankful to you guys, I'm thankful to my parents, I'm thankful to God for helping us reach here. बहुत मेहनत लगी है हमारी यहाँ तक आने में, and I just can't tell you कि how much of hard work and how much of effort has it taken for us to be where we are today. So I really thank each one of you today for being a part of this family, for being a part of us. We love you guys. This is about me. This is where I spend my day. और दिन में ऐसा होता है कि हॉप इन रहता है मेरा वीक में, इसीलिए मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ, क्योंकि सारा दिन मेरे 5 दिन तो ऑफिस में निकल जाते हैं, एक दिन फैमिली को चाहिए, एंड देन वन डे इज वेयर मी एंड पूजा वी शूट द ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट जरूर करना कि ऑफिस का बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा, बहुत सारे बीरोल्स होंगे जो आपको देखने को मिले होंगे, कुछ बेस्ट पार्ट जो आपको लगा हो इस ऑफिस के बारे में। तो ये तो हो गया भाई ऑफिस टूर, तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा हाउ आई मैनेज इट, अ लॉट ऑफ यू वर आस्किंग हाउ आई मैनेज माय टाइम इज आई हैव मेड माय वर्क माय यूट्यूब एंड माय पर्सनल लाइफ वेरी क्लोज टू माय सेल्फ, दैट इज हाउ आई स्पेंड माय टाइम, ऑफिस में भी आई हैव क्रिएटेड स्पेसेस वेयर आई कैन सिट रिलैक्स चिल, दिस इज हाउ आई मैनेज माय टाइम एंड माय वर्क, आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन, सो यस।